सारा इंडी लोग के सपना पपानी फेरा गई ले आ गई ले आ गई ले आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गई ले। भारत में राम आ रहे हैं, इंडी में नहीं। सनातन विरोधियों के लिए यह गाना परिकल्पना किया गया है मेरी ओर से। कि हमारी टीम पूरे 3-4 दिनों से इस चीज़ को, क्योंकि राम मंदिर पर बहुत सारे गाने रोज आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो गाना बनाया है इसमें कहीं ना कहीं और कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि सामने वाले लोगों पर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। सुनिएगा गाना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सारा इंडी लोग के सपना पपानी फिर आ गई ले, अरे आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गई ले। राम मंदिर 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है, और अब राम मंदिर बस मंदिर नहीं, अब एक मुद्दा बन चुका है, और इसको लेकर लगातार गीत संगीत हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, और इसी क्रम में अब एक नया गाना राम मंदिर को लेकर लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, जो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा केंद्र में सरकार है उसको हराने के लिए लगातार प्रयासरत है, और ऐसे में जो गाना है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं राम को ऊपर रखा गया और इंडिया गठबंधन पर भी इसको लेकर निशाना साधा गया है। सीधे बात करें कृष्णा कल्लू से, जो ये गाना जिनके आइडिया है, कैसे आया, क्या गाना है और कैसे ये आइडिया है? भारत में राम आ रहे हैं, इंडी में नहीं। सनातन विरोधियों के लिए यह गाना परिकल्पना किया गया है मेरी ओर से, और हमारे मित्र भाई अमित सिंह अमी इसको गाए हैं, और राहुल पांडे जी जो हमारे भाई हैं उन्होंने गाना को लिखा है। हम लोगों की पूरी टीम कई दिनों से इस विषय पे काम कर रही थी और यहाँ तक हम लोगों ने आज पहुँचा है कि इस गाना को हम आपके सामने अपने कलाकार अमित जी से प्रस्तुत करवाएंगे। अमित जी हैं, उनसे सीधे पहले तो उनसे गाना सुनते हैं। क्या गाना है? सारा इंडी लोग के सपना पपानी फिर आ गई ले, सारा इंडी लोग के सपना पपानी फिर आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गए। पांडे जी हैं, उनसे बात करें कैसे इंडिया गठबंधन के सपने पे पानी फेरने का ये आइडिया कैसे, आपने ही गीत लिखा है ना? जी हम लेखक हैं और कृष्णा भैया ने इस मुद्दे के बारे में हमको 3-4 दिन से डिस्कस चल रहा था कि हमें इस तरह का ही सॉन्ग बनाने हैं, फिर हम लोगों ने 3-4 दिन से कंटिन्यू इस पर मेहनत किया और आखिरकार आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जो कि हम लोगों ने बनाया है। इस गीत को पूरा सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये किस दृष्टिकोण का एक सॉन्ग है और इसमें हमने राम के लिए, अपने भारत के लिए और किस तरह से संबोधित किया है, इसमें आप सबको सुनने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा मेरे ख्याल से। कितनी मेहनत हुई, कितना मंथन हुआ है इसको लेकर के? देखिए हमारी टीम पूरे 3-4 दिनों से इस चीज़ को, क्योंकि राम मंदिर पर बहुत सारे गाने रोज आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो गाना बनाया है इसमें कहीं ना कहीं और कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि सामने वाले लोगों पर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। सुनिएगा गाना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे पहले इसको हम लोग सस्पेंस रखते हैं, गाना सुनने के बाद अमित भैया जब सुनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अमित जी गाना सुनाइए। सारा इंडी लोग के सपना पपानी फिर आ गई ले, सारा इंडी लोग के सपना पपानी फिर आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गई ले श्री राम जी भारत में आ गई ले। और इसमें एक बहुत प्यारा लाइन है जिसको मैं अच्छे से, सबसे प्यारा लाइन है मेरा इस गाने का, जे राम के लैले बाड़े उहे कृष्ण के लाई,
जे राम के लाई ले बड़े उहे कृष्ण के लाई, अवध नगरिया के जैसे वो मथुरा काशी बनाई। अरे अवध नगरिया के जैसे वो मथुरा काशी बनाई। केहू रहे न खुशी में खाली हो, घर घर में मने दिवाली हो। विश्व पटल पर हिंद के झंडा लहरा गईले, विश्व पटल पर हिंद के झंडा लहरा गईले। अरे आ गईले आ गईले आ गईले, श्री राम जी भारत में आ गईले, श्री राम जी भारत में आ गईले। अब और इस गाने के जरिए कहा जा रहा है कि जिसने राम को लाया है वो अब कृष्ण को भी लेकर आएंगे। तो अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के सपने पर पानी फिरता है या नहीं, और राम को जिन जो लेकर आए हैं वो अब कृष्ण को लेकर आएंगे या नहीं। लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है उस पर